द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। मैं फिर से अपनी क्लास में हाजिर हूँ। आइए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह सिर्फ परिश्रम का फल है। तो आइए हम भी सफलता के लिए परिश्रम करते हैं और अपने शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने श्वसन की परिभाषा, विभिन्न जंतुओं में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम मनुष्य के में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं जो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन की शुरुआत नाक से होती है। नाक में नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर जाकर स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलते हैं। यह लैरिंग्स पुनः श्वास नली में खुलता है। श्वास नली को ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी एक नली के समान संरचना होती है, जिसके ऊपर अर्धचंद्राकार यानी आधे रिंग के समान कार्टिलेज के रिंग्स या वलय उपस्थित होते हैं। ये कार्टिलेज के आधे रिंग या इनकम्प्लीट रिंग श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। जब श्वास नली से हवा निकल जाती है, उस समय ये श्वास नली को बाहर की ओर खींचे रहते हैं, ताकि इसकी आंतरिक दीवारें एक दूसरे से चिपके नहीं, सटे नहीं। श्वास नली आगे की ओर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इन दो भागों को श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों श्वसनी या ब्रोंकाई अब हमारे वक्ष गुहा में उपस्थित दोनों फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ये ब्रोंकाई या श्वसनी पुनः विभाजित होते हैं और श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा अंदर जाकर शाखित हो जाते हैं और ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं। ये ब्रोंकियोल्स फिर से डिवाइड होते हैं, फिर से विभाजित होते हैं और अल्वियोलर डक्ट्स का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अल्वियोलर डक्ट्स अंत में एक अल्वियोलाई में खुलता है। अल्वियोलाई को हम वायुकोश, वायुकोष्ठ या कूपिका भी कहते हैं। ये अल्वियोलाई एक गुब्बारे के समान संरचना होती है। मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 3×10⁸ होती है। इन गुब्बारों को अगर खोल दिया जाए, खोलकर फैला दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग फीट से 800 वर्ग फीट हो जाता है। यह क्षेत्रफल ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन का अवशोषण हो सके और अधिक से अधिक ऊर्जा का निर्माण हो सके। हमारे वक्ष गुहा में यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 जोड़ी पसली की हड्डियां होती हैं, जो एक केज के समान, एक पिंजरे के समान संरचना बनाती हैं। इसी पसली के अंदर, पसली की हड्डियों के अंदर दो फेफड़े दोनों तरफ हृदय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये गुलाबी रंग के थैलीनुमा स्पंजी संरचनाएं होती हैं। जिस स्थान पर यह अवस्थित होता है, उस स्थान को प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा कहते हैं। दोनों फेफड़े प्लूरल मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़ों के बीच एक तरल पदार्थ पाया जाता है। यह तरल पदार्थ फेफड़ों को घर्षण से रोकता है। जब
श्वसन के समय फेफड़े फूलते और पिचकते हैं, उस समय घर्षण होता है और इस घर्षण से फेफड़े डैमेज हो सकते हैं, उसी को या तरल पदार्थ म्यूकस जो है वह घर्षण से डैमेज होने से फेफड़ों को बचाता है। वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में फेफड़ों के नीचे एक गुंबद के समान संरचना होती है जो डायफ्राम कहलाती है। श्वसन के समय डायफ्राम जो है वह वक्ष गुहा के क्षेत्रफल को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मनुष्य के श्वसन तंत्र की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन की क्रिया कैसे परफॉर्म होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।